दोस्तों, मेरा नाम है अनन आरब एक्रे है मेरे चले। तो आज मैं लेकर आया हूँ एजेनिक क्रीम 10%। तो इसका मैं रिव्यू दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो चलिए इसको खोलते हैं पहले, ठीक है। इस तरफ कुछ कागज़ है, कागज़ देख सकते हैं। देखिए बहुत लंबे क्रीम के बारे में है, ठीक है, देख सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसका कागज़ का, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इस क्रीम के बारे में चलिए जानते हैं, इस क्रीम का साइड इफेक्ट क्या है और इसका क्रीम किस चीज़ के काम आता है, ठीक है। तो ये क्रीम वाइट कलर का आता है, देख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, देखिए। तो ये वाइट ये क्रीम बेस है, देख सकते हैं। इसका इसमें स्मेल थोड़ा है, बढ़िया है, ठीक है, देख सकते हैं। थोड़ा तेल भाव आता है, ठीक है, देख सकते हैं। एक मिनट तक इसको रगड़ना पड़ेगा, ठीक चला जाएगा ये क्रीम, ठीक है। तो इसका जानते हैं इसका क्या है इस क्रीम के बारे में। तो देख सकते हैं इसमें एजेंटिन एसिड आईपी 10% है, बेनजिक एसिड आईपी 0.2% है। एक क्रीम बेस है, मैंने पहले भी बताया था। अप्लाई जेंटली द एफ्यू एरियस डिटेल्स, और जो आप इफेक्ट वहाँ क्रीम लगाना पड़ेगा ये क्रीम, तो इसमें दाग और धब्बे सब दूर हो जाएगा। ये क्रीम दाग धब्बे के लिए आता है, इसको वाइटनेस क्रीम नहीं है, ये दाग धब्बे मिटाने का क्रीम है। और ये हफ्ते में 3 बार यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, हफ्ते में 3 बार, दिन रात में नाइट, हफ्ते में 3 बार, ठीक है। देख सकते हैं इसका प्राइस जो है, इसका प्राइस मैं दिखा देता हूँ। इसका प्राइस देख सकते हैं 195 रुपये है, ठीक है। और इसका जो एमपीएस डेट है 03/3/2018 है, ठीक है। और जो एक्सपायर डेट है वो 2/2/2020 को है, ठीक है, एक्सपायर डेट। इस क्रीम का नाम है एजेनिक क्रीम, और एजेलिक्स एसिड क्रीम से बना है 10% से, ठीक है। और ये जो कंपनी बनाता है इंटस फार्मेसी कॉल LTD, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद इंडिया, ये सिर्फ इंडिया में मिलेगा ये क्रीम, ठीक है। तो देख सकते हैं क्रीम वाइट कलर का क्रीम है, और ये जो कार्टून भी वाइट कलर का आता है। तो मेरा ये रिव्यू था, देख सकते पेपर तो दिया था। तो इस क्रीम का आप यूज़ करेंगे दाग धब्बे मिटाने का, सिर्फ दाग दाग धब्बे मिटाने का, आपको पिंपल जो है उसका दाग धब्बे मिटाने का, ठीक है। तो ये क्रीम बहुत ही बढ़िया है, हफ्ते में 3 बार यूज, इससे ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसका साइड इफेक्ट आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है, ओके दोस्तों, गुड बाय।